हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसबी। आज हम लोग जेएस सीरीज का सेट 15 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343। ये क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हुआ। और इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो सिडबी भारत की एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं, जो आपको येलो सर्कल से दिखाया गया है। और ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर दिया जाए तो वो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है, जो रेड सर्कल से आप लोगों को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसको एसिड बोलते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसको बेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो ये सब जानना आप लोगों से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका ध्यान रखिए। तो इसका आंसर होगा कमल एवं सांड। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड और कौन कौन से प्रतीक थे? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, और ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष था, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप था। फिर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। इसकी लंबाई कितनी है? 1.3 किलोमीटर। और गोरखपुर कहाँ पे है? गोरखपुर यूपी में है। गोरखपुर से पहले सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा था? तो खड़गपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के साथ साथ ये जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्गी संहिता की रचना किसने की थी? तो गार्गी संहिता की रचना वात्स्यायन ने की थी। गार्गी ने ही याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। इसका वर्णन अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में है। तो संविधान का अनुच्छेद ये बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति से संबंधित प्रावधान है। तो संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार नहीं होता है, लेकिन सभापति के रूप में मत बराबर होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत दे सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इसका आंसर होगा इंदिरा कॉल। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन कौन हुआ? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो तमिलनाडु में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर होगा भानुगुप्त। तो एरन अभिलेख से ही सबसे पहले सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो 49th पैरेलल। 49th पैरेलल के द्वारा अमेरिका और कनाडा अलग होते हैं। लेकिन हम लोग प्रीवियस वीडियो में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी कर चुके हैं। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया किससे डिवाइड होता है? 38th पैरेलल से, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत? तो राज्यपाल को एक अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को कितने प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन से हैं? प्राविलंबन, परिहार और लघुकरण। क्या होता है इनमें? तो
लघुकरण में दंड का स्वरूप बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड हुआ तो मृत्यु दंड का लघुकरण करके कठोर या सख्त कारावास में परिवर्तित, साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। और परिहार में क्या होता है, तो परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। और प्राविलंबन में क्या हुआ, तो प्राविलंबन में किसी दंड, खासकर मृत्यु दंड पर रोक लगाया जाता है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके, मतलब उसको एक मौका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दर्रा क्या हुआ, दर्रा पासेस को बोलते हैं, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोहतांग के अलावा बड़ा लाचा और शिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और पालक की बात करें तो पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो ये आप लोग जानते होंगे, सर्वाधिक उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होगा? तो सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है। कोयला चार प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो कौन सा उत्तम कोटि का है, कौन सा निम्न कोटि का, ये किस आधार पर पता करते हैं? तो किसमें कार्बन की मात्रा कितनी है उस आधार पे, जैसे जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी वो सबसे उत्तम कोटि का होगा। जैसे एंथ्रासाइट में 85% या उससे अधिक कार्बन होता है, बिटुमिनस में 75 से 85% के बीच होता है, लिग्नाइट में 65 से 70% के बीच होता है, और पीट में 50 से 60% के बीच कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्य सरकारों के, तो राज्य सरकारों के बजट की व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। और अगर बात केंद्र सरकार की करें तो केंद्र सरकार में अनुच्छेद 112 में दी हुई है। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं अनुच्छेद 112 के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्करी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को निम्न सदन यानी लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के बारे में क्या है, तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है, और अगर 14 दिन के समय में विधेयक वापस नहीं हुआ तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा ना तो धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम को किस इतिहासकार द्वारा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की वार्षिक गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की वार्षिक गति को परिक्रमण कहते हैं। फिर पृथ्वी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में टोटल कितना टाइम लगता है? तो 365 दिन और 6 घंटा। और इस समय को जो 365 दिन और 6 घंटे का होता है उसको सौर वर्ष कहते हैं, यानी पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप लोगों को जानने चाहिए, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है।
और 23 सितंबर और 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।